अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़क़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदाह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال المصنف رحمه الله شروط الصلاة قال المصنف رحمه الله الدرس السادس شروط الصلاة وهي 9 الإسلام العقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الدرس السابع أركان الصلاة 14 وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود على الأعضاء 7 والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम पर रमज़ान के रोज़े, 5 वक्ता नमाजें, साहिब इस्तिताअत पर ज़कात और हज को वाजिब करार दिया और इस बात का हुक्म दिया ये सारी इबादतें खालिस उसके लिए की जाएँ, उसके साथ किसी को किसी किस्म की इबादत में शरीक न किया जाए। सुब्हानल्लाहि मा अअज़मा शअनुहु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद व सलाम है इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर कि जिन पर अगर हम एक मरतबा दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह ताला हम पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। इस हम्द व सलात बर नबी अलैहिस्सलाम के बाद आज 5 रमज़ान मुबारक 1436 हिजरी है। मस्जिद ए इबाद उर रहमान गोलकुंडा हैदराबाद में ये दुरूसुल मुहिम्मा लिअम्मतिल उम्मा के दुरूस चल रहे हैं। अब तक हमने इस किताब का जो पहला हिस्सा था जो कि अकायद से ताल्लुक़ या ईमानियात से ताल्लुक़ था उसको पढ़ लिया। इस्लाम के 5 अरकान, ईमान के 6 अरकान और एहसान, इसको पढ़ लिया। तौहीद और उसकी किस्में, शिर्क और उसकी किस्में पढ़ ली। आज फिक्र शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह। क्या शुरू हो रहा है? फिक्र यानी अहकाम। फिक्र कहते हैं समझने को, इसमें अहकाम आते हैं। अब इसके कि हम फिक्र शुरू करें, कल जो दर्स में चीज़ें बताई गई थी उसके मुतालिक कुछ मुख्तसर से छोटे छोटे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल, शिर्क अकबर किसको कहते हैं और उसकी क्या मिसाल है? कोई बताइए, शिर्क अकबर किसको कहते हैं और उसकी क्या मिसाल है? अल्लाह ताला की, जैसे मुर्दा, हाँ क्या करना, इबादत करना। बैठिए, आप बोलिए। गैरुल्लाह के लिए करना जी। मिसाल क्या, नमाज पढ़ना शिर्क है, शिर्क अकबर। ये बोल रहे हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादतें हैं खास, उनमें से किसी एक इबादत को गैरुल्लाह के लिए करना, ठीक है। मिसाल शिर्क अकबर की, तो सजदा किसको कर रहे तो शिर्क अकबर होता भाई, ऐसे बोलो ना, फिर खाली खाली सजदा जवाब नहीं है। बैठिए, शिर्क असगर किसको कहते हैं और उसकी क्या मिसाल है? जी, पीछे से किसी को याद होता, कल का दर्स, 24 घंटे पहले का दर्स, पीछे पीछे से, शिर्क असगर किसको कहते हैं और उसकी क्या मिसाल है? बोलिए, उठ के बोलिए। ये तो मिसाल हो गई, सही है जवाब, लेकिन बोलते किसको शिर्क असगर? छोटा शिर्क किसको बोलते हैं? कम दर्जे का शिर्क। खैरिए, आधा जवाब दिए ना। शिर्क असगर किसको कहते हैं? व्हाट इज शिर्क असगर? जी भैया, हाथ आधा उठा, उठ जाइए जी। जिस शख्स के लिए हमेशा, हाँ ये मिसाल नहीं, सिर्फ शिर्क असगर किसको कहते हैं वो बता दीजिए बस। भाई छोटा शिर्क किस शिर्क को बोलेंगे? डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है उसकी? हमेशा के लिए जहन्नम है, उससे तो नहीं बोला, ये हमेशा के लिए जहन्नम नहीं है। अच्छा, पूरी तारीफ है जी। आप पीछे पीछे पीछे, हाँ बोलिए। मैं कल जो पढ़ाया हमने वो बोलना, या कल जो हम पढ़े किताब जी भाई। आप ये आप जो सामने हैं, पहले क्या नाम भाई आपका? जाकिर भाई, आधा जवाब दिए, यानी मिसाल दिए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बोले। आप क्या बोले मेरे को समझ में नहीं आया। अल्लाह के साथ क्या बोले आप? अल्लाह के साथ जो नाम रखते उसको शिर्क असगर बोलते हैं। खैरिए, शिर्क असगर कल जो पढ़े थे जी। कुरान और हदीस में जिन चीजों को शिर्क कहा गया और वो शिर्क अकबर में से नहीं है, जिससे जहन्नम में भी नहीं जाता आदमी, ये दोनों जवाब सही है, ये तीसरा मिसाल सही है। बैठ जाइए जी, आप दोनों के जवाब सही नहीं थे, आप समझ लिए ना जवाब। बैठिए, और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। तो मिसाल है, बैठ के भी नहीं बोलना, इसलिए खैर बोल दिया आप। मिसाल है वो, शिर्क असगर किसको कहते हैं? कुरान और हदीस में जिन चीजों को शिर्क करार दिया गया लेकिन वो पहली किस्म में से नहीं है, यानी अकबर में से नहीं है वो, और उसके करने से आदमी, यानी उस पर मरने से जहन्नम, इस्लाम से बाहर भी नहीं जाता है और उस पर मरने से जहन्नमी भी नहीं होता है। मिसालें जो है दे दी। एक और एक किस्म का शिर्क पड़े थे, शिर्क खफी, इसकी क्या मिसाल है कोई बताइए जी। पीछे जो हाथ उठाए जी भाई, बोलिए। नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे, कोई मेरे को देख रहे तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे जी, सही है, हदीस में सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ने शुरू, जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू करता है और जब लोगों की नजरें उसकी नमाज पर पड़ती हैं उस पर, तो वो अपनी नमाज को क्या करता है? अच्छा करता है। तो ये क्या है? शिर्क खफी, ठीक है। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं फिक्ह। क्या मतलब फिक्ह? हम फिक्ह भी पढ़ते हैं, फिक्ह नहीं है बोलते क्या? फिक्ह नहीं है, नहीं फिक्ह है, फिक्ह पढ़ते हैं। फिक्ह मतलब दीन को समझना, कुरान और हदीस की रोशनी में जो दलाइल होते हैं, जो दलाइल की रोशनी में मसाइल को समझना, फिक्ह। तो फिक्ह में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने दो चीज़ें जो अहम हैं, हर मुसलमान की ज़रूरत है, उसको बयान किया। नमाज और उसकी तफसीलात, वुज़ू और उसकी तफसीलात। शुरू किया है नमाज से, और वो भी शुरू किया नमाज की शर्तें। नमाज की 9 शर्तें हैं, नमाज की नौ शर्तें हैं। नंबर एक इस्लाम, नंबर दो अक्लमंद होना, नंबर एक इस्लाम मतलब मुसलमान होना, नंबर दो अक्लमंद होना, नंबर तीन सिन्न तमीज़ को पहुंचना, नंबर चार नापाकी दूर करना, या नंबर चार तहारत हासिल करना, नंबर पाँच नजासत गंदगी को दूर करना, नंबर छः सतरपोशी शर्मगाह को छुपाना, कितने होंगे छः, नंबर सात वक्त का दाखिल होना, नंबर आठ क़िबला रुख होना, नंबर नौ नियत करना। ये क्या है नमाज की शर्तें। शर्त किसको बोलते हैं नहीं मालूम आप लोग, पूछ रो नहीं जवाब के लिए, पूछ के मैं खुद बता दूं, पूछे तो आप गौर से सुनते हैं, ठीक है, जैसा तरीका है बहरहाल तवज्जो लेने के लिए। शर्त किसको कहते हैं कि मा यल्ज़म मिन वजूदिहिल वजूद व मिन अदमिहिल अदम, उसूल फ़िक़्ह है बहरहाल, इल्मी बात है थोड़ी। शर्त किसको बोलते हैं मा यल्ज़म मिन वजूदिहिल वजूद व मिन अदमिहिल अदम। नमाज की शर्त, मिसाल के तौर पर नमाज की शर्त यह है, तो शर्त है तो नमाज है, शर्त नहीं है तो नमाज नहीं, इसको बोलते शर्त। समझ में आया? जैसे एक मिसाल, इस्लाम नमाज की एक शर्त है, यानी अगर मुसलमान है तो नमाज सही है, मुसलमान नहीं है तो नमाज पढ़े तो सही नहीं होती नमाज, यह है तो यह है, यह नहीं है तो यह नहीं है, उसको बोलते शर्त। इसकी यह शर्त है, समझ में आ रहा? जैसा आमल है, मेरे पास आने के लिए शर्त यह है कि मैं जो टाइम आपको बता रहा हूं उसी टाइम पर आपको आना पड़ेगा, मिसाल। मतलब क्या है इसके, यानी मैं शर्त यह रखा हूं कि मैं आपको 8 बोला तो आप 8 बजे आइए, तो बताओ अगर आप 8 बजे आएंगे तो मैं मिलूंगा, नहीं आए तो नहीं मिलता, शर्त। अब जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की एक शर्त क्या है वुजू, तहारत, तो तहारत है तो नमाज है, तहारत नहीं है तो नमाज भी नहीं। समझ में आया? शर्त नमाज की कुल कितनी शर्तें हैं 9, 9 यहां है वो सुनेंगे। नंबर एक इस्लाम, नमाज के लिए शर्त क्या इस्लाम, शर्त कंडीशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस्लाम का मतलब आदमी मुसलमान होना, यानी काफिर अगर नमाज पढ़ा उसकी नमाज सही नहीं होती नमाज, इतनी भी पढ़ ले वो, क्योंकि इस्लाम पहली शर्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्यों, असल क्यों, क्योंकि काफिर का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता, अल्लाह के मरदूद है सारे अमल, सही नहीं होते। अल्लाह तआला ने फरमाया मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन नारि हुम खालिदून। कलाई थी आयत। मुशरिकीन अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करते जिन्होंने अपने नफ्सों पर कुफ्र की गवाही दी है, ये वो लोग हैं जिनके अमाल बर्बाद हैं, बात सही नहीं है, कबूल नहीं है, और फिर नारी हम खालिदून, और जहन्नम की आग में हमेशा रहेंगे। तो मुसलमान अगर है आदमी नमाज पढ़ता तो नमाज सही, इस्लाम नहीं कबूल किया नमाज से शुरू कर दिया, एक आदमी इस्लाम नहीं कबूल किया मुसलमान नहीं है लेकिन नमाज पढ़ता है, खुश करने मुसलमानों तो नमाज पढ़े, हम लोग कितने खुश होते हैं नमाज पढ़े हमारे साथ में, नहीं उसकी नमाज होती ही नहीं क्योंकि मुसलमान नहीं। समझ में? चलिए नंबर दो अकल होना, मतलब आदमी दीवाना या जुनून पागल ना हो, क्योंकि नमाज जैसा कि हम पिछले दर्स में पढ़े खास तरीके पर खास कामों के करने का नाम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए, जिसमें जैसे रुकू है ने खास तरीके पर खास वक्त में खास काम करने के और कुछ बोलने के हैं, अक़वाल व अफ़आल मख़सूसा बितरीक़तिन मख़सूस, यह है नमाज। जैसे नमाज में कुछ पढ़ना पड़ता है, मालूम है ना वो नमाजों में, जैसे क़ियाम के अज़कार सूरह फातिहा या सूरह या कुछ आयतें, फिर रुकू की दुआ, सजदे की दुआ, तशहुद, ये सब है ना पढ़ना पड़ता है एक, और कुछ काम करने पड़ते हैं जैसे क़ियाम, रुकू, सजदा, ये सब करना पड़ता है। तो आदमी की अगर अकल नहीं होगी पागल होगा आदमी, कैसे पढ़ेगा नमाज, क्या बोलेगा सूरह फातिहा पढ़ेगा सही पढ़ेगा, क़िबला रुख होना है वगैरह, नमाज है इबादत है ये। तो जिसका जुनून है जो पागल या दीवाना है अल्लाह ने उस पर नमाज फर्ज, उसका अकल ही नहीं है ना, अकल होना जरूरी है नमाज के लिए, इबादत है बहुत बड़ी, इसीलिए उलमा ने शर्त लगाई, और वो हदीस इसकी दलील है मुस्नद अहमद की जो हदीस है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया रुफ़िअल क़लम अन तलाथा, 3 लोगों से कलम को उठा दिया गया, 3 लोगों से कलम को उठा दिया गया। नंबर एक अन्नायम हत्ता यस्तयक़िज़, सोने वाला जब तक के वो जाग ना जाए, मजनून जब तक के वो ठीक ना हो जाए, यानी पागल जब तक के वो ठीक ना हो जाए, बच्चा जब तक के वो बालिग ना हो जाए। इसीलिए उलमा ने शर्त लगाई है नमाज के लिए, क्या है, अकल का होना जरूरी है, यानी आदमी अकलमंद रहना, आदमी पागल दीवाना नहीं रहना। कितनी शर्तें हो गई? तीन नहीं बोली, वो हदीस बताया था, हदीस में तीन चीज। तवज्जो से सुनिए, हाँ, कितनी शर्तें हो गई? दो। कौन बताएंगे दो बच्चों में से? बच्चों में से, अब बच्चे हैं जी बेटा, बच्चों में से कौन बताते दो शर्तें? शौक से खाली बैठ रहे हैं, खाली बच्चों में से कोई बताइए दो शर्तें जो अभी बताया मैं जी, बोलिए। अभी बच्चे हैं, मुस्लिम होना और अक्लमंद। बारकल्ला फीक, जज़ाकल्ला खैर, बैठिए। मुसलमान होना और अक्लमंद होना। नंबर 3, सिन्ने तमीज को पहुंचना, समझ बूझ की उम्र को पहुंचना, नमाज के सही होने के लिए शर्त। समझ बूझ की एक उम्र होती है, उसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज़ उलमा ने जो है इसको तहदीद किया है 7 साल से। उस हदीस की रोशनी में, जिस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों, और जब 10 साल के हो जाए ना पड़े तो मारो, और उनके बिस्तरों को अलग करो। ये पूरी हदीस है, अबू दाऊद की सही हदीस। तो सिन्ने तमीज को पहुंचना, यानी उसको मालूम होना वो क्या कर रहा बच्चा। 7 साल में आमतौर पर जो है बच्चे को समझ बूझ आ जाती है, लेकिन नमाज फर्ज नहीं होगी उसको 7 साल पर। ये शर्तें किस चीज की है? नमाज के सही होने के लिए, नमाज के सही होने के लिए शर्तें हैं। लेकिन क्या, यानी 7 साल का है बच्चा, पढ़ सकता है नमाज, लेकिन क्या फर्ज हो गई उस पर नमाज 7 साल में, 8 साल में? नहीं, फर्ज होने के लिए कब है? बुलुगत, लड़का हो या लड़की हो, उम्र नहीं, बुलुगत, बालिग होना। लड़की बालिग होगी, नमाज फर्ज, रोजे फर्ज, है ना? तो मालूम है ना, सिन्ने बुलुग। चलिए, कितने हो गए? 3, मुसलमान होना, आदि होना, और समझ बूझ की उम्र को पहुंचना। नंबर 4, रफ़ुल हदथ, हदस दूर करना, नापाकी को दूर करना। क्या मतलब नापाकी दूर करना? यानी तहारत हासिल करना। हदस कहते हैं नापाकी को। हदस, और से सुनिए, बड़ी अहम बातें हैं ये, रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ जो है ताल्लुक है इन बातों का। हदस यानी नापाकी 2 किस्म की होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी नापाकी क्या मतलब, छोटी नापाकी क्या मतलब? बड़ी नापाकी का मतलब गुस्ल जिससे वाजिब हो जाता है। छोटी नापाकी का मतलब जिससे वुदू लाजिम होता है। तो अगर गुस्ल वाजिब हो गया आप पर, तो नमाज पढ़े तो सही नहीं होती। गुस्ल करना, रफा करना हदत को, हदस यानी नापाकी को दूर कर देना। क्या वजू टूट चुका है तो वजू करना, क्योंकि हदत 2 किस्म का, एक अकबर एक असगर। अकबर गुस्ल जिन चीजों से वाजिब हो जाता है। अब जब बात आ गई तो तशरीह में उलमा ने लिखा है, तो मैं भी बता दूं तो शायद फायदा ही होगा कि गुस्ल किन चीजों से वाजिब होता है। नंबर 1, मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब होता है। तफसीलात में नहीं जाते हो, ठीक है। एहतलाम होना नौजवानों को, उससे गुस्ल वाजिब होता है। इससे हटकर मदी या वदी, उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। मनी वो लेजदार मादा जो शहवत के साथ, मर्द की शर्मगाह से या शहवत के साथ जो है निकलता है, उछल कर निकलने वाला वो मादा होता है, जिसका जिक्र कुरान में किया गया कि हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया। सूरह तारिक में है आयत, क्या है वो आयत? चले गए तारिक नहीं, उससे पहले वाली आयत क्या? इम्मा इंदाफिक खलकनल इंसान, खलकनल खुलिका मिम्मा इंदाफिक, ऐसे खुलिका मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है, यानी मनी से, जो सीने और पीठ के दरमियान से निकलता है, पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। चलिए, तो इससे जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसकी दलील जो है अल्लाह के रसूल की हदीस है, इन्नमल माउ मिनल मा, जो नींद से जागे और देखे कि उसके कपड़े पे जो है गंदगी लगी हुई है, तो वो गुस्ल कर लेगा, ठीक है। बाद लोग बोला भाई ये कल तक सही था, ये आज, ये नहीं बोलने की चीजें हैं। नहीं बोलेंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, लोगों को मसाइल कैसे मालूम होंगे? इन अल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता है। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है हक बात से नहीं शर्माया है, ठीक है। ये शर्म की बात नहीं है कि आप जो है दीन के मसाइल बयान करें, तहारत के मसाइल बयान करें, पाकी सफाई के मसाइल बयान करें, ये शर्म की बात नहीं है, ये हक है जिसको बोलना है ताकि लोगों को तालीम मिले और लोग जो है सही अमल करें। चलिए, इसी तरीके से गुस्ल और किस चीज से वाजिब हो जाता है? हम बिस्तरी से, जिसको इंटरकोर्स कहते हैं, और मैं लफ्ज इंटरकोर्स कह रहा हूं क्योंकि इंटरकोर्स का होता है इंटरकोर्स, दूसरी चीज से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। हम बिस्तरी का मतलब हम बिस्तरी जिसका इंग्लिश से ट्रांसलेट दुखूल से, इदखाल से, मियां बीवी, ठीक है, उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसके अलावा कोई हरकतें हो तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं हो जाता, इल्ला ये कि कोई चीज खारिज हो जाए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बयान किया, ठीक है, उससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। और यहाँ एक बात मैं बता दूं, शादीशुदा लोग भी हैं इसमें, अगर हम बिस्तरी हुई, इंटरकोर्स हुआ, लेकिन कोई चीज खारिज नहीं हुई, तब भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इदा जलसा बैन शुअबिहा अल-अरबा व मसल खिताम खिताम वजब अल-खुज़्न, दो शर्मगाहें अगर आपस में मिल जाएं मियां बीवी की, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है। यह हदीस जो है सही मुस्लिम की रिवायत है। अगरचे इंजाल ना हो, इंजाल ना हो, तब भी शर्मगाहों के आपस से मिलने से गुस्ल मियां बीवी पर क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से मौत की वजह से भी गुस्ल वाजिब होता है। किसी की मौत हो गई तो उसको गुस्ल देना वाजिब हो जाता है, ठीक है, ये तो मालूम है हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, आपने मुर्दे को गुस्ल देने का हुक्म दिया है। इसी तरीके से चौथी चीज जो औरतों से, माँ और बहनों से ताल्लुक है, वो हैद और निफास का निकलना। उनको मालूम है ये मसले, मेंसेस, हैद या निफास, हैद मेंसेस को कहते हैं, या बहरहाल मेंसेस को कहते हैं, और निफास जो है वो हैद माहवारी को कहते हैं, मेंसेस को कहते हैं, और निफास जो है वो डिलीवरी के बाद जो है जो ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं। तो उसकी वजह से भी गुस्ल औरत पर वाजिब हो जाता है। और यहाँ एक बात बता दूं कि माँ और बहनें सुन रही हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ख्वातीन के नजदीक। क्या है? इसको निफास को लेकर गलतफहमी है, मेंसेस को लेकर तो नहीं, मेंसेस को लेकर तो नहीं है। एक बात याद रखना, मेंसेस जैसे खत्म हो जाए किसी औरत के, गुस्ल वाजिब हो जाता है। किसी के 3, किसी के 5 दिन हो, 7 दिन हो, जितने दिन, जैसे ही वो चीज स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो ऐसी सूरत में औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। निफास के मसले को लेकर औरतों में बहुत बड़ी गलतफहमी है। 40 दिन का इंतजार करती है औरत, डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम होती है औरत को, समझ रहे हैं बात को, ये जो है जरूरी नहीं है कि 40 डेज तक हो, 1 महीने में भी जो है मामला खत्म हो जाता है। अगर किसी औरत का 1 महीने में मामला खत्म हो गया और 10 दिन इंतजार करती, अभी 40 दिन नहीं हुए बोल के 10 दिन की नमाजें छोड़ देती, और अगर वो रमजान का महीना है तो रोजे भी छोड़ देती, ये बहुत बड़ी गलती है। जैसी वो चीज रुक जाए, खत्म है, क्योंकि इनकता अदम असल है मसला, ब्लीडिंग का रुक जाना है, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, 25 दिन के लिए हो, 35 दिन के लिए हो, 38 दिन के लिए हो। ये 40 दिन का गुस्ल, 40 दिन का गुलूस, 40 दिन का उनके मशहूर कर दिया। असल उलमा ने जो बयान पर हदीसों या अहले इल्म का जो है वो मैक्सिमम ये होता है, औरत को वो जो मैक्सिमम पीरियड है वो 40 डेज। इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया की हर औरत को 40 डेज पर ही गुस्ल करना है। अगर 35 डेज, 35 दिन, 30 दिन में मामला साफ हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको गुस्ल करना पड़ेगा और अपनी इबादतों को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस मसले को अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, ठीक है। और उसमें वो जो हरकत होती है उससे भी बचें, बिदात, वो क्या बोलते हो, छिल्ला, 40 दिन का क्या है भाई, बेहूदी हरकत है ये। दावत देना, खिलाना, 40 दिन हो गए हमारी बीवी के बोल के, पूरे लोगों को बोल रहे आप, अरे छुपाने वाली चीजें हैं, ये ऐब है। 40 दिन का छिल्ला, पता नहीं दावत वावत करते हैं। इसी तरीके से एक और एक बात मैं बता दूं, लड़की जब बालिग हो जाती है, अजीब मसले हैं भाई, मेंसेस जब स्टार्ट होती है बच्ची को, तो वो बुलुगत की अलामत है। बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी भी क्या करते हो, कुछ पार्टी उटी करते, सवालात ऐसे ऐसे आए ताजुबा, कहते क्या करते, बच्ची को कमरे में से निकालते नहीं, अंदर ही रहना कहते उन्हें। घर में 4-5 कमरे हैं, एक रूम में रखते उसको, नहीं आना इधर बोलते, दूसरे कमरों में, हॉल में भी नहीं आना, उधर भी नहीं आना, तुम आज बालिग हो गए, और सबको दावत देते। क्या मतलब दावत देने का? पूरी दुनिया को बता रहे कि आपकी बच्ची वाले हो चुकी है, आपकी बच्ची बड़ी हो चुकी है। कहां से लाई है? शर्म और हया भी कोई चीज है, अखलाक इस्लाम भी कोई चीज है, ये कहां से लेकर आई है? इस्लाम में तो नहीं है ये चीज। माँ को पता है उसकी बच्ची बालिग हो गई, मामला खत्म है, उसको अपने शोहर को बता देती है, ठीक है, माँ बाप को पता है कि भाई हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, अब उस पर वाजिबात वगैरह उसको जो बताना है वो माँ का काम है। गुस्ल वगैरह जो मसले हैं वो माँ तालीम देगी उसको, अगर माँ तालीम याफ्ता है, दीन का इल्म रखती है। लेकिन ये कि पब्लिक को दावत देना, लोगों में जो है ये पता नहीं वो क्या नाम देते हैं उसको, वो पार्टी करते हैं, और उसको घर से बाहर नहीं निकालना, कमरे से बाहर नहीं निकालना वगैरह, ये सब शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, इससे अपने आप को बचाइए। चलिए, तो ये इन चीजों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, समझ में आया। इसके अलावा किसी और चीज से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। फिर गुस्ल की दो किस्में हैं। गुस्ल कैसे करेंगे तफसीलात में नहीं जाना। गुस्ल एक कामिल है, एक काफी करने वाला है। गुस्ल एक कामिल है जो जनाबत का गुस्ल जिसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, जो सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं तर्जुमा कर देता हूँ हदीस का ताकि समझ में आ जाए आपको बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ, वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल यानी नापाकी का जो बड़े हदस का गुस्ल होता है, जो चाहे बीवी से मुलाकात का गुस्ल जो होता है मिस्त्री के बाद या इहतलाम के बाद जो गुस्ल होता है ना, गुस्ल जनाबत जिसको कहते हैं, नापाकी से जो गुस्ल किया जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे करते थे? सबसे पहले जो है अपने दोनों हाथों को धोते थे। तुम युफ़रिग़ु बियमीनिही अला शिमालिही, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सबसे पहले दो हाथों को धोना। बहुत आसान है गुस्ल। गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है? सबसे पहले दो हाथों को धोना, उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह को धोना। पहला काम क्या? दोनों हाथ धोना। उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाल के अपनी शर्मगाह को, गंदगी को दूर करना। हो गया। उसके बाद नमाज के लिए जैसे वुजू करते वैसे वुजू करना। कैसे? हाथ धोए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और चेहरा धोए, और दाहिना हाथ कोहनी समेत धोए और बायां हाथ लेफ्ट हैंड कोहनी समेत धोए। जब सर के मसा की बारी आती तो 3 चुल्लू पानी डालना। चुल्लू मतलब ये इतना पानी, इस हाथ में जो पानी आता है इसको बोलते चुल्लू। 3 चुल्लू पानी क्या करना? सर पे डालना, सर बालों की जड़ों में पहुंचाना। हत्ता इदारा अन्नहु कद इस्तबरा, उसके बाद जो है नबी हफना अला रअसिही 3 हथियात, 3 चुल्लू पानी डालने के बारे में हुई है। तो माफादा अला साइरी जसदिही, फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम गसल रिजलई, फिर आखिर में अपने 2 पैरों को धोते थे। ये क्या है? गुस्ल कामिल, कंप्लीट गुस्ल है ये। एक मरतबा और बता देता हूं, सिर्फ एक मरतबा और ताकि याद रहे। सबसे पहले 2 हाथ धोना, उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में पानी लेके या नल है तो खोल के, ठीक है, अपनी शर्मगाह को या जहां जहां धब्बे लगे हुए हैं उसको साफ करना। उसके बाद सेम जैसा नमाज के लिए वजू करते वैसे वजू करना, सर के मसे तक पहुंचकर रोक देना, सर का मसा नहीं करना, बालों की जड़ों में पानी पहुंचाना, 3 चुल्लू पानी डालना सर पे, उसके बाद पूरी बॉडी से नहा लेना, लास्ट में 2 पैरों को धो लेना। क्या समझ में आ गया? यह है गुस्ल कामिल, कंप्लीट गुस्ल। इसके अलावा जो गुस्ल काफी कर देगा वो ये है कि पानी लेकर हाथ धोकर कुल्ली और नाक को साफ करने के बाद अपने पूरी बॉडी से पानी को एक मरतबा बहा दिया जाए तो ऐसी सूरत में यह गुस्ल काफी हो जाएगा। आम गुस्ल जिसको कहते हैं, जैसे आम नहाना है, डेली सुबह आदमी नहाना चाहता है वगैरह, ये आम गुस्ल है। वो जो पहले मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले तफसील से, वो क्या है? गुस्ल जनाबत है। चलिए, जब इंसान ऐसे गुस्ल कर लेगा तो उसकी नापाकी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज आई क्या है? हदसे असगर, छोटी नापाकी। क्या है वो? वजू टूट गया। वजू टूट गया तो उसके बाद वजू कर लेना। ये आगे आ रहा है इसलिए अब इसको नहीं बयान करेंगे हम। आगे आ रहा है कि वजू किन चीजों से टूटता है और वजू कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको वहां बता देंगे इंशाल्लाह। कितनी चीजें हो गई? शर्तें 4। पहली क्या है? याद रखने के लिए पूछ रहा हूं भैया, और कुछ भी नहीं है मेरा मसला। 4 बोल दे। मुसलमान होना, अक्लमंद होना, समझ बूझ की उम्र को पहुंचना, तहारत। हो गया। नंबर 5, गंदगी दूर करना, नजासत को दूर करना। क्या मतलब नजासत को दूर करना? 3 चीजें, तीनों में से एक जगह अगर नजासत हो तो दूर करना। आपकी बॉडी है, जिस्म में कहीं गंदगी लगी हुई है, जैसे पैर को या हाथ को, बॉडी में कहीं भी गंदगी लगी हुई है आपकी, तो क्या करना? उस गंदगी को नमाज के सही होने के लिए जरूरी है। 1। दूसरी, जो कपड़े आप पहने हुए हैं उसके ऊपर भी अगर गंदगी हो तो उसको भी दूर करना। यानी 3 चीजों की पाकी ऐसे बोलिए, बदन, कपड़ा, जगह। शॉर्ट में याद रख लेंगे, बदन, कपड़ा, जगह, पूरे बदन। जैसे पेशाब लगा हुआ है पैर को बच्चे का, गए नमाज पढ़ ली, होती नमाज नहीं है, दूर करना। या कोई गिलाजत लग गई गंदगी, कोई भी पैर, हाथ को, जिस्म को, वो गंदगी क्या करना? दूर करना। ठीक है। इसी तरीके से कपड़े की गंदगी, कपड़े पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, दूर करना उसको। कपड़े में कोई गंदगी लग गई, दूर करना उसको। समझ में आ रहा है? यहां एक बात बताता हूं मैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, नौजवान बच्चे। आदमी, लड़का, नौजवान सो गया, उसको एहतलाम हो गया, गंदगी। मैं समझाता हूं, समाज काफी सही नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं। कपड़े को गंदगी लगी, 2-3 कपड़े पहन के सोया आदमी, एक कपड़े को, जैसे अंडरगारमेंट्स है, एक कपड़े को गंदगी लगी, दूसरे कपड़े को गंदगी नहीं लगी, क्या करना? जिस कपड़े को गंदगी लगी, जितने हिस्से में गंदगी लगी उसको साफ करेंगे। गीला हो तो पानी से, सूख जाए तो कोई मसला नहीं, अलग है, उसको साफ करना। बहरहाल पानी अवेलेबल, पानी से उसको साफ कर देना। नहीं, पानी के साथ साबुन से भी साफ करते हैं, सर्फ से, वो अच्छी चीज है, वेरी गुड। गंदगी खत्म हो जाना, जैसे अंडरवेयर है, ठीक है, घर में, अच्छा उसके ऊपर वाला कपड़ा है उसको गंदगी नहीं लगी हुई है, पढ़ सकते हैं उस पर नमाज? बोलिए भाई, पढ़ सकते हैं। जितने हिस्से पर गंदगी लगी, बाद लोग थोड़े हिस्से पर गंदगी लगी है पूरा धो देते हैं, ठीक है भाई, आप सफाई पसंद है अलग मसला है, लेकिन इतना याद रखिए कि उतने। अच्छा एक और एक बात बता दूं ताकि परेशान ना हो, गंदगी को हमने धो दिया, धब्बा नजर आ रहा है, उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम? दलीलें मौजूद है इस सिलसिले में, इस सिलसिले में हदीसें सही बुखारी की मौजूद है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात, ज्यादा और बोलना मुनासिब नहीं है। तीसरी चीज क्या है? जगह की पाकी, वहां भी गंदगी रहे। जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे ये मस्जिद, अभी यहाँ नमाज पढ़े इमाम साहब पढ़े, यहाँ हम लोग नमाज, ये क्या है? पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में आप जहाँ नमाज पढ़ रहे, देखिए शक नहीं, औरतें जो घर में नमाज पढ़ती, बच्चा पेशाब किया क्या उस जगह पे? नहीं किया हुआ है, जगह साफ है, पढ़ ली, इसीलिए सज्जादे रहते हैं, जानी माज जिसको बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मां और बहनों को और भाइयों को भी, जानी माज पर नमाज पढ़ना जरूरी है, वो तो बनी हुई चीज है। जानी माज नहीं है, फर्श साफ है, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते, जानी माज पर पढ़े पढ़ सकते, लेकिन जानी माज पर ही पढ़ना। हज में आके वो जानी माज कहाँ है, जानी माज कहाँ खरीदते, ठीक, खरीदो भाई, वो भी कौन सी, मक्का मदीना की फोटो रहना। अब हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हाजी साहब कौन सी भी ले लो, नहीं वो लिख जाके मेरे वही छोना भाई, बताओ, अरे मार्केट पर लेकर देखो, जानी मौसम की मार्केट ले लो, खरीद लो, नहीं वही छोना, मक्का की फोटो हो ना, मदीना की फोटो हो। चलिए, जानीमाज शर्त नहीं है नमाज, पाक जगह पर नमाज पढ़ना है, चाहे वो जानीमाज हो, कपड़ा हो, कारपेट हो, या फर्श हो, या मट्टी हो, समझ रहे? चलिए, एक और गलती, वो तो मालूम ही है, फिर भी बता दे रहा हूं, बाज औरतें ये जो अभी दर्द सुन रही है लोग, नहीं, बाज औरतें नमाज पढ़ के जानीमाज थोड़ा मोड़ देते हैं, क्या बोल के? शैतान नमाज पढ़ता। मेरे भाई, शैतान नमाज पढ़ता, उन्हें नमाज से रोकता। हदीसों में यह आया कि मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो उसको तकलीफ होती है, अत्तैयात में जो उंगली उठाते हैं नहीं, उससे तकलीफ उसको होती है, अजान सुन के उसको तकलीफ होती है, इकामत सुनकर उसको भागता, अजान सुन के होना, हदीसों में है। तो हम कैसे कहेंगे कि जो है जानी माज पर नमाज पढ़ेगा वो? आप खुला छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता, अच्छा नहीं होता भाई, नमाज पढ़ के चले जाओ, कला के उस जमाने में कोई भी नहीं पढ़ते, शैतान इबलीस पढ़ते नहीं, रो लेते रहते, लगा क्या ना इसको नमाज, नको पढ़ो बोल तो पढ़ रहा है, नको पढ़ो बोल तो पढ़ रही जी, ये गलत कर, ये थोड़ा मोड़ना कैसा एक अजीब चीज बन गई, नहीं कई घरों में नजर आती है ये चीज, औरतें थोड़ा मोड़ देते हैं। एक चीज जो परंपरा खानदानी बोलते हिंदी में, उसको उन्होंने दादा करे, अम्मी करे, बेटी भी देख रही, एजुकेटेड है, क्या एजुकेशन चाहिए? जानी माज पे नमाज पढ़ते हो, मोड़ दे रहे, बच्ची पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, तालीम आफ्ता है, मोड़ रही, तहारत के मसाइल से वाकिफ नहीं है, 40 दिन का इंतजार करती बच्ची, एजुकेटेड है, एजुकेशन दीन की एजुकेशन है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो तीन चीजों की पाकी जरूरी है, बदन, कपड़ा और जगह। कितनी चीजें हो गई? 5। सतरुल औरा, ऐप छुपाना, शर्मगाह को छुपाना, यह भी क्या है? नमाज के सही होने के लिए जरूरी है। मर्द की शर्मगाह अलग, औरत की शर्मगाह अलग। मर्द का सतर बोलते ना हम लोग उर्दू में, वही बोलेंगे उर्दू में, बोलते सतर, छुपाना भाई, नमाज में सतर छुपाना। मर्द का सतर क्या बोलते उसको? कमर, नाफ से, यहां से लेकर, नाफ से लेकर घुटने तक मर्द का क्या है? ये सतर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक छुपाना। इसी तरीके से और एक हदीस में जो आया है, शोल्डर छुपाना, मर्द की बात कर रहा हूं मैं, औरत नहीं, मर्द का सतर यहां से यहां तक छुपाना। और शोल्डर्स, एक हदीस में है कि तुम ऐसी नमाज मत पढ़ो कि तुम्हारे शोल्डर्स, कंधे खुले हुए, जैसे फुल बनियन, जैसे ढका, ये और यहां से यहां तक, ये क्या है? मर्द का सतर है, ये छुपना जरूरी है। इसका मतलब चड्डी पे नमाज नहीं पढ़ सकते जी, रान दिख रहे आधे आधे, नमाज पढ़ रहे नहीं, मतलब नमाज रान भी छुपाना है, सतर पूरा, ठीक है। चलिए, औरत का सतर पूरा जिस्म है उसका, सिवाय चेहरा और क्या बोलते हैं उसको, हथेली और जाहिरी कदम, कदम का जाहिरी हिस्सा, कदम नहीं पूरा पैर नहीं, टखनों से ऊपर पे नहीं, और नहीं जाहिरी हिस्सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या औरत एक कपड़े पर नमाज पढ़ सकती है, मतलब कोई और कपड़ा ही नहीं है उसका, ओनली एक ही पीस है उसके पास, कुछ भी नहीं है कपड़ा पहनने के लिए, क्या पढ़ सकती है नमाज? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अगर वो कपड़ा लंबा हो इतना कि उसके जाहिरी कदम को छुपाए, कदम मतलब पैर भाई, जाहिरी पैर, ये पैर रहता, अब मैं उठा के तो नहीं बता सकता हूँ, समझ जाइए इसे, देखिए ये पैर है, ये उंगलियां हैं पैर के, समझिए इतना रहना कपड़ा पूरा, यहां तक ऊपर तक नहीं, वो क्या बोलते उसको टखने, नहीं टखनों से भी नीचा रहना, बाकी के सब सर बाल वगैरह सब छुपाना है औरत नमाज में, ये तो मालूम है, ये सब हाथों को छुपाना है औरत नमाज में, ये सब सत्र है औरत का नमाज में, चेहरा खुला, ठीक है चलिए। और ये भी जो चेहरा खुला अजनबी ना हो तो, अगर अजनबी हो तो ढांकेगी वो चेहरा, चेहरा ढांक कर नमाज पढ़ेगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिख़मार, अबू दाऊद और तिरमिज़ी और इब्न माजा की सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बालिग़ औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के कबूल नहीं होती है, तो उसके बालों को या सर को छुपाए। और वो जो मर्द के लिए मैंने बताया था, या औरत के तो खैर आया कि कंधे ढके हुए हों उसके, उसकी दलील भी दी गई है, अबू हुरैरा की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम फी तौबिल वाहिद लैसा अला आतिक़िही मिनहु शै, कोई आदमी एक ऐसे कपड़े पर नमाज न पढ़े कि जिससे उसके कंधे खुले हों, कपड़ा खाली एक है और कंधे उसके खुले हुए हैं, कंधे उसके ओपन हैं, खुले हुए हैं, मफ्तू हैं, ऐसी हालत में नमाज न पढ़े, ऐसी हालत में नमाज न पढ़े। इसी तरीके से वो तंग कपड़े, उलमा का फतवा है देखिए, वो तंग कपड़े जिससे जो है मर्द की शर्मगाह जाहिर हो रही है, उस पर भी नमाज नहीं होती, फतवा है। टाइट कपड़े जिससे जो है उसकी शर्मगाह जाहिर हो रही है, ऐसे कपड़ों पर भी नमाज जायज नहीं है, उलमा का फतवा है, बल्कि खुला कपड़ा होना चाहिए जिससे ऐब उसके जाहिर ना हो। चलिए, इसके बाद कितने हो गए? छः। सातवां दुखुल वक्त, नमाज का वक्त दाखिल होना जरूरी है नमाज के सही होने के लिए। क्या मतलब? हर नमाज का एक वक्त है, एक अव्वल वक्त है, एक आखिर वक्त है, यहाँ मुराद अव्वल वक्त है, नमाज का वक्त स्टार्ट होना। अगर नमाज का वक्त स्टार्ट हो चुका है तो ऐसी सूरत में नमाज होगी, पढ़ेंगे। नमाज का वक्त स्टार्ट ही नहीं हुआ है, नमाज पढ़ रहे हम, होती नमाज नहीं होती नमाज। फजर के लिए एक वक्त है, जोहर के लिए एक वक्त है, असर के लिए एक वक्त है, मगरिब के लिए एक वक्त है, ईशा के लिए एक वक्त है। अब कल सुबह की फजर पढ़ ले सकते हैं, क्यों? वक्त नहीं आया। 12 बजे सुबह जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। हर नमाज का एक वक्त होता है, मालूम होता है कितने बजे नमाज स्टार्ट हो रही है, नमाज का वक्त कब स्टार्ट हो रहा है। आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मस्जिदें हैं उनमें जो है अव्वल वक्त ही तकरीबन अज़ान दी जाती है, कुछ मिनट के बाद, एग्जैक्टली वैसे नहीं, वो तो सऊदी अरब में देखा गया, एग्जैक्टली वैसे नहीं, कुछ मिनट के बाद जो है अज़ान शुरू होती है हमारी मसाजिद में। बाज़ मसाजिद, अल्लाह हिदायत दे मुसलमानों की, वक्त स्टार्ट होकर 1 घंटे के बाद अज़ान दी जाती है, बाद जगह 2 घंटे के बाद अज़ान दी जाती है। गलत है, नमाज का वक्त जब स्टार्ट हो तब आप नमाज पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ लिए नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यहां औरतों को यह बात मैं बताऊं, औरतें जो है अजान पर डिपेंड ना हो। मोहल्ले में मस्जिद में अजान, अभी अजान नहीं हुई, नहीं, मैंने कहा ना बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां लेट अजान दी जाती है। वक्त दाखिल होने के काफी वक्त स्टार्ट होने के काफी देर के बाद अजान दी जाती है, तो हमारी बहनें इंतजार करती हैं वहां पर। नहीं, हमारी बहन को पहले मालूम करना चाहिए कि क्योंकि मौसम के हिसाब से वक्त बदलता है, गर्मी में जो मौसम है सर्दी में वो मौसम नहीं रहता है, मालूम है ना। ये नमाजें पढ़ते हैं मर्द हजरात तो जमात के साथ पढ़ते हैं, उनको मालूम रहता है, खवातीन को भी तकरीबन मालूम ही रहता है। तो खवातीन एहतियात से काम लें, वक्त दाखिल होने के बाद उनकी नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं वो लोग। समझ में आ रहा? इसको तहकीक करके बताना। मुझे याद है बाद लोगों ने शहर हैदराबाद में यहाँ इससे पहले तहकीक करके बताया था कि हमारे शहर में जो है किस वक्त जो है नमाज का वक्त स्टार्ट हो रहा है, फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, ईशा का। आपको वक्त पता चल गया, 4:21 पर फजर का वक्त स्टार्ट हो रहा है। हमारी बहन उसके बाद नमाज पढ़ सकती है, अगरचे अजान नहीं होगी। समझ में आ गया? लेकिन अगर किसी ने पहले पढ़ लिया और उसको पता चला कि नहीं उसने नमाज पहले पढ़ ली थी, अभी तो वक्त आया ही नहीं नमाज का, क्या करना? दोबारा पढ़ना पड़ेगा नमाज। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। इसके बाद कितने हो गए? 7। 8वीं शर्त नमाज की क्या है? इस्तकबालुल क़िबला, क़िबला रुख होना। अब हम सब यहाँ मस्जिद ए इबाद उर रहमान में नमाज किधर पढ़ रहे? इधर। क्यों? क़िबला है। और मुसलमानों का क़िबला क्या मतलब? क़िबला मक्का, ये मक्का का रुख है। क़िबला क्या है? काबा, बैतुल्लाह, काबा। अगर कोई बैतुल्लाह में है, सामने क़िबला है, आइनुल क़िबला बोलते हैं, सामने देख के पढ़ रहा है। उधर उधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं। लेकिन दूर हो तो पता करना। अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है मस्जिदें बनाई जाती हैं, जैसे ये मस्जिद बनी, अभी क़िबला किधर है? इधर, इस तरफ है, तो हम इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप मैदान में हैं, सफ़र में हैं, गाड़ी से जा रहे या प्लेन में जा रहे, सऊदी एयरलाइंस में तो बताते क़िबला, दूसरी एयरलाइंस याद नहीं है मुझे, एमेरेट एयरलाइंस का याद नहीं है, एयर इंडिया का भी याद नहीं, बहरहाल बता देना। सऊदी अरब में जो है बाज़ात तो बताते रहता क़िबला, तो क़िबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना। अब रास्ते में आप जा रहे हैं, जैसे नमाज का वक्त हो गया, यानी ओपन प्लेस है, क्या बोलते हैं, मट्टी है, दोनों तरफ जमीन है, आप जा रहे, नमाज का वक्त हो गया, क्या करना? क़िबले का पता करना वाजिब है सबके। आप पता करना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, फ़ोन आप सामने ज़मीन पर फ़ोन रखिए, आपको फ़ोन क़िबला बताएगा, है ना, उसमें बताता क़िबला किस तरफ है जी। अगर वो सही है तो ऐसी सूरत में उस पर अमल किया जा सकता है। अगर आदमी ने कोशिश की, मेहनत की, सब कुछ पता, मालूम ही नहीं हो रहा क़िबला, क्या करना? जैसे ट्रेनों में होता अक्सर, हम लोग भी आते ट्रेनों में, अब ट्रेन यूं यूं किधर जा रही नहीं मालूम, और वो ज़माने में फ़ोन भी नहीं था हर बात, अब पता भी नहीं चल रहा है कि क़िबला किधर है, क्या करेंगे? यानी मुश्किल है, नहीं, कोशिश करने के बावजूद क़िबले का पता नहीं हो रहा है, क्या करना? नमाज का वक्त निकलता जा रहा है, आप नमाज पढ़ लीजिए, जिस तरफ रुख चाहे नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज सही हो गई। कितनी शर्तें हो गई? 8। 9th और आखिरी शर्त नमाज के लिए नीयत है। बगैर नीयत की नमाज सही नहीं होती। बगैर नीयत की नमाज, क्या मतलब नीयत का? दिल का इरादा। क्योंकि मैंने इसे बताया था शायद ना, हर पार्ट के काम होते हैं, जबान का काम बताया था ना उस दिन, बच्चा बैठा था, जबान का काम बात करना, कान का काम सुनना, हाथ का काम छूना पकड़ना, अभी गिलास पकड़ के पानी पियाना, ऐसा, पैर का काम चलना, दिल का काम नीयत। और भी है मोहब्बत, ताज़ीम, इरादा, बहुत सारे, तकवा, भरोसा। तो नीयत जबान का काम या दिल का काम? तो जबान से कैसा करते हो भैया? मैं जबान से सुनता हूं बोल के बोल सकते हैं, ऐसा कैसा सुनते बोलते? जबान से नहीं सुनते भाई, गलती से बोल दिया शायद, आप बोलते लो ना। तो ऐसे मैं जबान से नीयत कर रहा हूं, ऐसे अरब सुने तो बोल रहे क्या जबान से है ना, मैंने है ना, मैंने है ना, अन्य है ना, वो है ना, क्या होती नीयत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। तो नीयत की जगह क्या है? दिल। आप दिल में इरादा कीजिए, दिल में नीयत कीजिए, किस चीज की? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अब ईशा की नमाज को आए आप लोग मस्जिद इबाद उर रहमान, नीयत थी नहीं थी? इस वक्त क्या है? एक। फिर दूसरा, ईशा की नमाज कितने रकात पढ़ते हैं? नीयत थी नहीं थी 4 रकात की? या आज मैं इमाम साहब चौथी को उठ गए तो मैं तीसरी को बैठ जाता हूँ बोल के नीयत करे थे? आप दिल में नहीं करे थे। अच्छा, क़िबला रुख होकर पढ़ते हैं या क़िबला इधर है मैं इधर पढ़ता हूँ बोल के पढ़ते? इधर इधर नहीं पढ़ते ना, इधर ही पढ़ते। तो फिर ये जो अल्फाज के साथ नीयत की जाती है ये सुन्नत नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के बारे में बयान किया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज कैसे शुरू होती थी? अल्लाहु अकबर शुरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह खत्म। और एक हदीस है नमाज में, नमाज को हराम करने वाली चीज अल्लाहु अकबर है, हलाल क्या हराम? यानी अल्लाह बात, खाना पीना चलना हराम, नमाज में बात कर सकते हैं, वो मतलब है हराम करने वाली चीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलते खाना पीना दुनिया की जो हलाल चीजें जायज है, चलना फिरना, वरना नमाज में नहीं है। इस हदीस से भी ये बात बोले, नमाज स्टार्ट किससे होती है? अल्लाहू अकबर से। अब यहाँ दो गलतियाँ, एक गलती बाज लोग क्या करते हैं, इन्नी वज्जहत वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन, ये दुआ पढ़ के अल्लाहु अकबर बोलते हैं। बाज लोग जो है उर्दू में नियत करते हैं, वो मेरा काबे शरीफ के इमाम साहब के पीछे मैं 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर रहा हूँ। इसको हम शरीयत की तराजू में तोलेंगे, क्योंकि कोई भी इबादत बगैर दलील के नहीं कर सकते। कोई भी अमल करने के लिए क्या चाहिए मेरे भाइयों, दलील चाहिए। दलील है तो अमल है, वरना अमल, इबादत की बात कर रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने हमें नमाज सिखाई, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज के लिए नीयत के कुछ दुआ सिखाई, कोई एक हदीस में है कहीं तो भी, चलो कुतुब सित्ता में नहीं है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुस्तदरक हाकिम में कहीं तो भी है हदीस, कहीं भी नहीं है हदीस सही है। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं सिखाई, एक चीज। दूसरी चीज, अरबी जबान में नीयत इसको कहते ही नहीं है कि आप जबान से कुछ वर्ड्स यूज करें, यानी जो शख्स जबान से नीयत कर रहा है वो दो गलतियां कर रहा है। नंबर एक, हदीस में नहीं है। नंबर दो, लैंग्वेज की गलती, लैंग्वेज में है ही नहीं वो चीज। समझ में आ गई बात। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। इसका मतलब यह है कि आप दिल में नीयत कीजिए। अब बाल लोग बोलते भाई ठीक है ईशान को आ गए बोल के मस्जिद ए इबाद उर रहमान मिसाल दे दिए, फर्ज नमाज के बाद सुन्नत की नियत कैसा करना, सुन्नत की नियत करना दिल में, फर्ज की नियत कैसा करें, आके बोले ना मैं 4 रकात पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उठते नहीं 2 रकात पढ़ने, तरावी से पहले क्या नियत है दिल में, सुन्नत। फिर वितर की कैसा करना, अभी वितर पढ़ना है, वितर की नियत करना दिल में करना। जनाजे की नियत, जनाजे की नियत करो। जुमा की नमाज, जुमा की नमाज। इस्तिस्का, इस्तिस्का। जो नमाज पढ़नी है उसकी आप दिल में नियत करो। और ऐसे भी हुआ सहाबा की जिंदगी में कि इमाम जो है सुन्नत की नियत से नमाज पढ़ा रहे थे और पीछे फर्ज की नियत फर्ज की नियत के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 रकात सुन्नत पढ़ाते थे अपनी कौम को, सुन्नत, उनके पीछे फर्ज इशा पढ़ते थे उनकी कौम। और इसी तरह एक आदमी एक मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक मरतबा एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, जमात खत्म हो गई थी, फर्ज नमाज की जमात खत्म हो गई थी, सहाबा बैठे हुए थे। उन सहाबा में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। नबी अलैहिस्सलाम, वो आदमी आया, आकर उसने नमाज शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है, मैं यतसद्दक़ अला हादा फ़युसल्ली मअह, कौन इस पर सदका करते हुए इसके साथ नमाज पढ़ेगा। जो जमात की दलील देते हैं, जो इसमें ही है दूसरी जमात की दलील, समझ में आ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस कहने पर अबू बकर सिद्दीक जो फर्ज नमाज पढ़ लिए थे उठे और उसके साथ शामिल हो गए, उस एक आदमी के साथ। वो आदमी क्या पढ़ रहा था, फर्ज, अबू बकर सिद्दीक। इख्तिलाफ हुआ नियत का, बात समझ में आ रही है। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। आप फर्ज की नियत करें, फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, सुन्नत की नियत सुन्नत पढ़ लीजिए, वितर की नियत वितर पढ़ लीजिए। यह है 9 शर्तें किस चीज़ की मेरे भाइयों और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, नमाज की शर्तें हैं। तो ये शर्तें हैं नमाज की। और उसके बाद जो है नमाज के अरकान है जो कि 14 हैं, नमाज के अरकान है। अच्छा, शर्त किसको बोलते हैं मैंने बताया, अगर ये है तो ये है वरना नहीं। अरकान किसको बोलते हैं, रुकन की जमा अरकान। अगर रुकन छूट गया तो नमाज सही नहीं होगी। ठीक है, वो 14 हैं जो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके बाद वाजिबात सलात भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर वजू को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जनाजे के इस्लामी आदाब आएंगे। फिर आखिर में जनाजे के मसाइल आएंगे। बातें बड़ी अहम चल रही हैं, आप लोग जरूर तशरीफ लाइए। कोई भी दर्स मिस मत कीजिए, कोई भी दर्स मिस मत कीजिए। नमाज की शर्तें आपने सुन ली हैं, इसको याद रखिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम नमाज वैसे पढ़ें जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, जैसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी है। अल्लाह ताला तो हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, चाहे वो तरावीह की नमाज हो या वितर की नमाज हो या फ़र्ज़ नमाजें हो या कोई भी, अल्लाह हमारी नमाज़ों, हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को तौफीक अता फरमा। और किताब व सुन्नत में अल्लाह तेरी खालिस इबादत को तौफीक अता फरमा। आमीन।